गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। जियान उठ के अपने मामू को तंग कर रहा है। सुबह सुबह हमने नाश्ता किया बंद और लस्सी का मैं जियान को दे रही हूँ, ये लोग खा लो। उसके बाद हम निकल पड़े अपने घर को वापस। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रात को अपनी मम्मा तरफ रुक गई थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो रात को वापस आना ठीक नहीं। और ऊपर से मेरी ये ड्यूटी, मैं हर वक्त अपने बेटे का फिक्र अपने पास रखती हूँ, भले वो नहीं पीता लेकिन मुझे तसल्ली होती है चलो मेरे पास तो है, मैं भी कभी ना कभी तो पी लेगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है, वैसे ही मैं भी इस पे कायम हूँ। तो मैंने जब रो वाले को देखा तो मेरा दिल कर पड़ा पीने का, तो हम यहाँ पर रुके। उन्होंने कहा नहीं बाजी अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर आए। ये बंदा अपनी पता नहीं फ़ोन पे मैं शौक के साथ बात कर रहा था कि किससे कर रहा था, तो इसको कहा कि एक रो का गिलास बना दे, हम रहा इतने शौक से नहीं पीते, तो मेरे लिए आया और मैंने मज़े से पीना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे पसंद है। पसंद नहीं भी है, पहले मैं नहीं पीती थी लेकिन अब मैं पीती हूँ। उसके बाद एक मिनट मैं खोल देती हूँ आपको, मैं आपको खोल लूँ, मैं निकाल देती हूँ ना। अरे हाय आजकल के बच्चे, ये कहाँ लगेगा ये भी बताओ, ये कहाँ लगेगा, ये यहाँ लगेगा इधर, लेकिन ये टूट गया बेटा, जितना मर्जी लगा लो नहीं लगेगा। ध्यान चलाओ, आप गाड़ी चलाओ। कैसी लगी आपको, अच्छी है? अच्छी है आपके, आपको दंड लेकर दी थी, दंड लेकर दी थी, अच्छी है आपकी गाड़ी? हाँ ना तो करो यस और नो। ध्यान से यस, यस बोलो। कितनी पॉलिसी गाड़ी लेकर दी आपको गंदे बुकरे वाले। तो कल है मिलाद, तो मैंने सोचा कि मैं भी सफाई वगैरह कर लूं कि गेस्ट आएंगे तो ये ना हो कि गंद भरा हुआ है, कपड़े बिखरे हुए हैं, तो मैंने मशीन लगा ली। लेकिन मेरी मशीन का ये फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक है, मैं इसमें डालकर कुछ भी काम कर सकती हूँ। जियान को एप्पल दिया, उसने फेंक दिया, गंदे ने कुछ खाता पीता है नहीं। अब मेरी है कमरे के सफाई करने की बारी, कमरे में बहुत गंद पड़ा हुआ था तो मैं सफाई करने लग गई। वो वाला ग्लिटर है जो उस दिन जियान ने गिराया था, लेकिन डेली झाड़ू लगाने के बावजूद ये नहीं निकलता। तो सफाई करने लग गई तो जियान आगे आकर बैठ गया और तंग करने लग गया, मैं उसको उठा रही हूँ, वो उठ ही नहीं रहा था। तो सफाई करने के बाद मैंने बनाया खाना, खाना बनाने के टाइम मैं ना वीडियो रिकॉर्ड कर रही और ना खाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड कर रही। जब खाना ख़त्म हो गया तो मुझे याद है यार छोटा सा क्लिप लेना था। उसके बाद मैंने बनाई चना चाट, ये इसलिए हमारे घर में डेली बनती है क्योंकि हमला को बहुत पसंद है और हमला बड़े मज़े से खाते हैं। तो मैं बस मिक्स करती ही रह गई क्योंकि मैंने जितने मज़े से बनाई थी मैं खा नहीं पाई, मेरा गला बहुत ख़राब था। और अब बाकी की जो है वो हम दर रखने जा रहे हैं फ्रिज में, ज़ियान ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बाय बाय। चलो चलो आगे।